पाकिस्तान में जो हम इंसान हैं, हमारी एक फितरत है, उससे बड़ी परेशान हूँ. और वो फितरत क्या है, मैंने अक्सर घरों में देखा है, वो घर जिनके घरों में बेटे 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 हैं, वो इस आस में बैठे होते कि एक बेटी हो जाए. अल्लाह मियाँ, वो बेटी आएगी, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, बड़ी जिम्मेदार होगी, घर की जिम्मेदारियां भी उठा लेगी, सबको बांध के रखेगी. हम नहीं होंगे तो अपने भाइयों को, मतलब उसका भाइयों का मैका होगा और वो भाइयों को बांध के रखेगी. इस चाह में वो सात बेटे भी पैदा कर लेते हैं कि एक बेटी हो जाए. एक बेटी की शौक में, हाई उसको मैं पोनियाँ बांधूंगी, उसको मैं तैयार करूंगी, फ्रॉक पहनाऊंगी. उस शौक में बेटों को भी फ्रॉक पहना दी जाती है. और जिस घर में बेटियां होती हैं, वहां ये सोचा जाता है कि घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा आगे चलकर. बेटियों की शादी हो जाएगी तो हमारा बुढ़ापे का सारा कौन बनेगा. और इस आस में बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी, वहां सात बेटियां भी हो जाती हैं उस बेटे की चाह में. तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. उसको लगता है जब उसके पास बहुत सारे बेटे हैं तो एक बेटी आएगी तो घर कंप्लीट होगा जिम्मेदारी निभाने के लिए. और जब उसके पास बहुत सारी बेटियां हैं तो एक बेटा आएगा तो सब पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएगा. लेकिन अगर आप लड़के और लड़कियों से जाके पर्सनली पूछें, अगर बहन भाई है, एक बेटा एक बेटी, तो आप जाके पूछेंगे तो वो कहेगी, लड़की मैं घर का ख्याल रखती हूँ, मैं माँ बाप का ख्याल रखती हूँ, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है और अपने दोस्तों में चला जाता है. मुझे पता है अब्बू को कौन सी दवाई देनी है, मुझे पता है अम्मी को कौन से डॉक्टर के पास अस्पताल लेके जाना है. इसको तो बस अपने बारे में पता होता है, कौन सी लड़की अच्छी आई है मोहल्ले में, कौन सी लड़की अच्छी आई है मेरे कॉलेज में. तो मतलब क्या फायदा इसे भाई का, वहां भाई शुरू हो जाता है. सारी डबल रोटी अंडे मैं लाके देता हूँ, अम्मी अब्बू को गाड़ी चला के मैं अस्पताल तक लेके जाता हूँ, मैं नहीं हूं तो क्या टैक्सियों के चक्कर लगाएगी, और मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ ऑफिस में, ज्यादा मैं डिटरमाइंड हूँ. अगर आप नौकरी पे नौकरी मांगने जाते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर ये सोचा जाता है, अलग अलग राय होती है. कहीं जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सोचता है लड़का और लड़की बराबर इंटेलिजेंट हैं, बराबर उनके अच्छे नंबर आए हुए हैं, बराबर एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों ना लड़के को हायर कर लूं. क्यों, लड़की की तो शादी हो जाएगी, कल को वो माँ बनेगी, छुट्टियां करेगी. फिर कहीं कहीं ये सोचा जाता है नहीं, लड़की को हायर करना चाहिए, ये ज्यादा जिम्मेदार होती है काम में, ये बहुत अच्छे तरीके से काम निभाती है, ये एंड तक काम को छोड़कर आती हैं. तो हर किसी की अलग अपनी सोच होती है. आज हमारे पास दो साइड्स हैं, और एक तरफ गुलाबी गुलाबी रंग जो कि लड़कियों से कनेक्टेड कहा जाता है, और एक तरफ नीला नीला रंग जो कि लड़कों से कनेक्टेड किया जाता है. हालांकि नीला रंग लड़कियां भी पहन सकती है, मगर गुलाबी रंग लड़के पहन ले तो उन्हें कुछ और ही समझा जाता है. तो आज हम यहां मस्ती करने वाले हैं, लेकिन उस मस्ती में मुकाबला ये है कि कौन ज्यादा जिम्मेदार होता है, लड़कियां के लड़के. तो आइए वेलकम करते हैं हम अपनी प्यारी प्यारी यंग यंग खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को जो आपको ड्रामों में हंसती खेलती रोती गाती नजर आती हैं. और क्योंकि अगर ड्रामे में लड़कियां ना हो तो क्या कोई ड्रामे में रौनक होगी, क्या मजा आएगा ड्रामे देखने में, फिल्में देखने में, शोज देखने में. तो आइए सबसे पहले मैं लड़कियों को बुलाती हूँ, मेरे साथ यहाँ मौजूद है. सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सिरा असगर को, फिर साथ आएंगी मरियम नूर और अस्मा उमर. यंग जनरेशन, कैसी हो यार? भाई साफ बात है, तुम बच्चियां मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हो, यंग यंग आए हुए हो, वो कहते हैं ना फ्रेश ब्लड. लेकिन कभी कभार सीनियर एक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं यार आजकल की बच्चियां सब शोबिज में पार्टी करने आई हैं, ये बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है. लेकिन कुछ सीनियर्स आके बड़ी तारीफें करते हैं, यार आजकल की लड़कियां कितनी ग्रूम्ड हैं, इनको पता है इनको बाल कैसे बनाने हैं, इनको मेकअप कैसे करना है, इनको कैसे अपने आप को कैरी करना है, कैसे कपड़े पहने. हमें तो कुछ पता ही नहीं था जब हम आए थे. तो तारीफें भी सुनती हूँ, यहाँ मैं ऐसी जगह बैठी हूँ ना जो हर किस्म के लोग आते हैं, तो मैं गॉसिप करती हूँ ब्रेक के दौरान, और लेकिन रिकॉर्ड करके चलाती नहीं हूँ. हाँ, तो उसमें मुझे पता, तुम लोगों को, तुम लोगों की क्या क्या खसूसियात है एज ए जिम्मेदार सिटीजन, क्या तुम्हारी मरियम, सिरा और अस्मा, एक एक कोई अपनी
quality bayan karo, zara tareef karo apni ki main is cheez mein zimmedar hu. Acha main har cheez pehle se prepare karti hu, whether it be shoot, whether it be school mein hamesha sabse pehle maine raat mein joote polish karke rakhne hote the, uniform press karke rakhna hota tha, bag pack karke taki panic create na ho taki subah uthke main jaldi jaldi karu. To shoot ka bhi ye hota, mujhe pata hota aaj maine show pe jana hai to maine kapde istri karke rakhne hain, maine sab kuch subah bhi tum joote dhoond rahi hoti nahi subah bhi tum joote dhoond rahi ho is cheez mein main bahut zimmedar. Acha main to cheez mein bilkul uljhi hu, main to bilkul panic macha hota hai, lekin जिस चीज़ से मुझे लगता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं ना मुझे टेंशन बहुत लगी रहती है, तो मैं हर चीज़ को ना माइंड में प्रिपेयर करती रहती हूँ. जैसे अगर कुछ डायलॉग बोलने या कुछ सीन है कुछ चीज़ें, तो मैं बैक एंड फोर्थ में दिमाग में वही चलता रहता है कि मैं उसी चीज़ में रहूँ और फोकस उसी में वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो. तो मैं ये नहीं फिक्र होती कि मोबाइल पर किसका मैसेज नहीं 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 शाम को पार्टी में जाना है जब वो मोबाइल की फिक्र होती है कि वो ठीक हो जहाँ रखा है वही. लेकिन तुम जिम्मेदार अपने काम में हाँ मुझे सही याद हो सही डायलॉग डिलीवरी कर रही हो. जैसे किसी को एक्टर को जो है ना वो हार्ड टाइम लाने लगे तो मेरी एग्जीक्यूशन परफेक्ट तुम्हारी है. याद भी रखती हूँ, चीजें भी ध्यान से रखती हूँ, रात को अपनी तैयारी में और टाइम पे भी पहुँचती हूँ. आई थिंक सो मुझे लगता है मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ. अपनी क्या और तारीफ करूँ, अलमारी वगैरह भी साफ होती है, अलमारी बिल्कुल सेट. अम्मा ने अब्बा ने कुछ जिम्मेदारी डाली है कि बेटा ये करके जाना निकलना, तो वो सब नहीं. मैं आकर सबको बोलती हूँ कि ये नहीं किया वो नहीं किया, और मैं रात को जितने मर्जी लेट आऊँ 12-1 बजे लेकिन आकर मैं पूरा कमरा पूरा घर साफ करके सोती हूँ. मुझे नींद ही नहीं आती. ओह माय गॉड, मतलब लाइक मेरे पास तो आज ऐसे ही आ गई मुकाबला करने का. सिरा का तो घर में खुद अपनी आंखों से देखकर आई हूँ, उसकी चीजें मैं देखकर आई हूँ कि भाई ये बड़ी पर्टिकुलर है. तुम रह गई हो असमा. कमरा ठीक है, कमरा ठीक है, लेकिन मुझे अपने ऊपर ज्यादा वो होता है कि मेरी चीजें मेरा ये होगा. ओवरऑल भी रखती हूँ घर का, वो तुम अपने ऊपर ही फोकस करो. मेरा कमरा खुद ही क्लीन, पूरी जिंदगी पड़ी है पूरी फैमिली को फोकस करने के लिए. अभी इंजॉय करो, ये गोल्डन पीरियड है तुम्हारी लाइफ का. आ जाओ बैठो, अब लड़कों को भी बुलाएंगे कटहरे में अपनी तारीफ करने के लिए. मैं तो भाई इस वक्त तो मैं बिल्कुल देखिए, मैं सफेद कपड़े इसलिए पहन कर आई हूँ क्योंकि जब आपको पता नहीं होता कि बच्चा लड़की होगा कि लड़का, तो माँ बाप सफेद कपड़े बना के रखते हैं. और कौन कौन से हरे कपड़े बनाते हैं, और कौन कौन से कपड़े बनाते हैं, येलो ये और पर्पल भी बनाते हैं. जब उनको जब वो अल्ट्रासाउंड कराने के शौकीन नहीं होते, उनको नहीं पता होता हमारा घर बेटा होगा या बेटी होगी, तो मैं इसीलिए न्यूट्रल अम्मा बन के आई हूँ. तो आइए जी, मैं बुलाती हूँ जवान लड़कों को, नए लड़कों को, और उसमें सबसे पहला लड़का है जो जिंदगी भर लड़का ही रहेगा क्योंकि कोई गीदर सिंह ही खा के पैदा हुआ है, अयाज सम्मो. लड़के कैसे उधर आओ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, है ना? हमेशा लड़का, मैंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है. स्टे ऑर्डर लिया हुआ इसने. तो जरा सम्मो के साथ बाकी लड़की भी बुलाते हैं. एक ऐसा लड़का जो आप सोप्स में देखते हैं, एक ऐसा हीरो है, मैं लड़का क्यों बोल रही हूँ, और यंग ब्लड है, फ्रेश ब्लड है, उभरते हुए फनकार हैं, उनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं, बड़ा अच्छी शक्ल सूरत के मालिक हैं, हमारी फिल्म में भी इन्होंने काम किया था और ड्रामों में आप उनको देख रहे हैं, रमीज सिद्दीकी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है? वेलकम टू द शो. पहली दफा है ना रमीज हमारे शो पे, है? जी बिल्कुल. ये कहते हैं कंची आंखों वाले बट धोखेबाज होते हैं, आपके बारे में किसी ने कहा? बोल मैंने लेंस लगाए हुए. होते हैं लेंस लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लेंस नहीं लगाए, धोखेबाज होते हैं. धोखेबाज होते हैं. आपने कितने लोगों को धोखा दिया? बस मत पूछें. अभी हम इनसे लिस्ट भी पूछेंगे और इनकी तारीफें भी हम सुनेंगे. और हमारे साथ मौजूद हैं उभरते हुए फनकार, मैं कलाकार क्यों कह रही हूँ, बड़ी हिंदी हो गई दिमाग, फनकार उसामा खान. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बड़ी आजकल आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं. ड्रामे माशाल्लाह जी. आज हमारा जो शो है वो ये रिलेट करता है कि लड़के ज्यादा जिम्मेदार होते हैं लड़कियां. आपको क्या लगता है उसामा, लड़के ज्यादा जिम्मेदार होते हैं कि लड़कियां? उसामा की क्या क्वालिटी है, क्या कहते हैं घर वाले या बाहर वाले कि उसामा तुम्हें इस चीज में? उसामा 1 लीटर में 70 किलोमीटर देता है. उसामा मेहनती है. अच्छा, अपनी तारीफ कौन करता है? जाने लड़कियां करती हैं अपनी तारीफ. हाय हाय हाय, ये हुई ना बात, ये लड़के नहीं करते. आप लोगों ने हार मान ली, आते कि हम जिम्मेदार नहीं होते लड़के. मर्द तो वो हम बड़ा बोल रहे हैं, मर्द तो वही होते हैं जो बहस ना करे औरत के सामने. मैं बहस कहाँ कर सकता हूँ. ये पहले
क्या बात है भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उनको पता ही नहीं है कुछ। फिर भी अगर मैं उसामा से पूछूं कि तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार किस चीज में हो उसामा, या हो ही नहीं जिम्मेदार? अभी अभी याद नहीं आ रहा, काफी सुबह नहीं, अम्मी कुछ कहती होंगी। सुबह उठने में जिम्मेदार नहीं हूँ, सुबह उठने में जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, और शूटिंग सुबह हो तो क्या करोगे मेरे भाई? फिर उठ जाता हूँ, मजबूरी होती है ना, मजबूरी होती है। तो अम्मी कुछ कहती होंगी ना, मेरा ये वाला बेटा जो है ना, ये इस हर काम कर देता है, ऑलमोस्ट हर घर का, अम्मी की हेल्प कराना, अम्मी का सबके साथ सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्टिव, सारे सब बहुत सपोर्टिव, मतलब लाइक वो काम जो बच्चियां फैमिली में, जो फैमिली में बंदा होता है जो बहुत सपोर्टिव होता है उस तरह का। अच्छा, मतलब किसी का भी कोई काम हो तो वो समझ आ, नहीं काम वाली चीज नहीं, बाकी और मतलब मोरल अप करने के लिए आपने शॉपर पकड़ा के मुझे डबल रोटी अंडे ले आओ, सामा ले आएगा। हाँ, मोरल वाली सर, अप करने वाली। अच्छा जी, रमीज रमीज किस चीज में जिम्मेदार है, क्या कहते हैं आसपास के लोग? मैं घर का वो शख्स हूँ जो बिल्कुल तबाह बर्बाद होता है ना, जिसको पता है उसको कोई काम नहीं करना। क्या मतलब? मतलब मैं भाई हमारी टीम को कौन सा प्लेयर दे दिया? मतलब देखिए, खुदकश बंदा अपनी टीम को खुद ही उड़ा रहा है, हम लोग कोई काम नहीं करते भाई। मैं घर का वो वाला कैरेक्टर हूँ जिनको पता है कि इसको कुछ नहीं करना। अच्छा, बस आप सबसे छोटे? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़ा, सबसे छोटे के काम होते ना, तो बड़ा रोब रोब, हाँ रोब, लेकिन और छोटे कामों के लिए नहीं, और ये लाते भी आ गए तो इतराते हो, नहीं उसकी वजह से जिल्लत हो रही है घर में, उसकी वजह से जिल्लत हो रही है। भाभी सारे बहन भाई में एक मॉनिटर होता है ना, काम खुद नहीं करता, सबसे करवाता है, ये मैं वो। अच्छा, लेकिन फिर भी अम्मी कुछ कह रही ना, मेरा ये बेटा बड़ा जिम्मेदार है ये इस चीज में, फलानी चीज़ वो में। मेरा छोटा वाला भाई है। अच्छा, ये मेरा बेटा, डेकोरेशन पीस हो क्या बेटा? ये वो कहते हैं मेरा वाला बेटा जो बस टीवी पे आता है। डेट्स आगे पीछे नहीं करता अपनी। अच्छा, और वर्किंग डे। अच्छा, और दूसरी चीज है, मैं चेक भी टाइम पे मांग लेता हूँ, तो मैं हर लिहाज से बड़ा जिम्मेदारी जी आपके पास में है। जवान लड़के। अच्छा, मेरा सीन बिल्कुल ले लगी क्योंकि मैं इकलौता हूँ। अच्छा, बहन भाई भी नहीं है तो तुम किसी पे ये नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, मैं सोफे को कहूंगा तू काम कर, और वो देगा मुझे क्या करो। नहीं, मेरे सारे अल्लाह का शुक्र है, बचपन से ही आदत रही है कि अपने काम खुद करता था। अच्छा, और इवन बीच में ऑन अ सीरियस नोट, अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अच्छा, तो मैंने घर के जो काम होते थे वो भी मैंने किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना तक पकाया है। वो हमने तुम्हारी, तुमसे दो रोटी बनवाई थी जो यहाँ कूद के आ गई। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी नहीं, मेरा पराठा था, सब मैं तो जीता था, जीता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सारे काम ही है, सारे काम ही। तो इस बात से आपकी बेगम खुश होती है? बड़ा बड़ा जिम्मेदार हस्बैंड। नहीं, बेगम शिकायत करती है आपके बारे में, ये सुना था लेकिन आप करते नहीं। प्लीज आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। हम आपका इंट्रोडक्शन आपकी जो ऑपोजिट पार्टी है जी 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 उनसे करा देते हैं। आप इन तीनों खूबसूरत लड़कियों को देख सकते हैं। इनका कहना ये है, लड़के नहीं जिम्मेदार, लड़कियां जिम्मेदार होती हैं, ये यही कह रही हैं। तो आप, इन्होंने तो कह दिया मैं बहस नहीं कर रहा। देखिए, दो तो हल्के आपकी पार्टी, हम तीनों को एक ही जिम्मेदार। तीन आपकी बीवी नहीं मानती वैसे, निदा ये एक ही भारी है, मुझे पता है ये एक ही भारी है। नहीं नहीं, देखिए मैं इनका जो क्रेडिट है वो भी नहीं लेना चाहता। घरदारी के मामलात में नो डाउट लड़कियां जिम्मेदार होती हैं, और नौकरी में नहीं, नौकरी के मामलात में नहीं। देखिए, नहीं होने का मसला नहीं है, हर किसी का कंफर्ट जोन होता है। हाँ, सही है, लड़के क्योंकि बचपन से बाहर निकलना, बाहर खेलना, वुमेन इंटरेक्शन ज्यादा होता है, बंद करके रख लिया, बंद करने की बात की। अच्छा, अब ये क्या कह रही है, ऐसा पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना कि इतने जो कैटेगराइज कर देते हैं कि लड़कियों वाली ये जॉब, लड़कों वाली ये जॉब, तो आई थिंक ऐसा नहीं। लोग लगता है नौकरी में भी लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपना सारा काम करके, झूठ कम बोलती है वो, अगर थोड़ा करना पड़ेगा। मैं जॉब करता था वहाँ पे, होता था वो पता है अच्छी तरह हमें। लड़कियाँ 5 बजे रिक्शा आ गया जी, हम जा रहे हैं, लड़के काम कर ले, बाकी लड़के बैठे शक्ल देख रहे हैं, अच्छा हम तो 9 बजे जाएंगे क्या। लड़कियाँ 5 बजे टॉपिक आजकल हमारी सोसाइटी में चल रहा है फेमिनिज्म का, मैं उसको ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतना वो ज्यादा नहीं है, लेकिन यही बात है तो अभी बोलने वाले, रुको 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 रुको,
मैं वो जरा इश्तिहार दिखा के आती हूँ खाली अगर लड़के हो तो क्या आप इश्तिहार देखेंगे. मैं कोशिश करी न्यूट्रल रहने की लेकिन मैं इधर खींची चली जाती हूँ क्या करूँ. देख छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. क्या लड़कियां जिम्मेदार है ज्यादा या लड़के जिम्मेदार है SMS करके बताइए. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक बच्चा मेरे सामने ही ग्रूम हुआ है. कोई तुमने अयाज सम्मा तुमने कोई स्टाइलिस्ट हायर कर लिया ऐसी तस्वीरें शादी के बाद लड़कियां सुना है शादी के बाद सुना है जो अकली सुखी सड़ी लड़कियां होती हैं उन पे एकदम रूप आ जाता है. ये तो इस लड़के पे रूप आ गया. शादी से पहले आ गया था ना. शादी से पहले आ गया था. दिखाओ तुम्हारे पुराने जरा दिखा रहा हूँ. डेट बताएं डेट के साथ दिखाएं वो है 2012-13. देखिए बंदा जैसे उस वक्त मैं भी ग्रूम नहीं थी टीका भी लगाती थी फूल भी लगाती थी तो बड़े बड़े बुंदे भी पहनती थी और क्या रिंग्स हाँ सारे हाथों में वो तो मलंग नहीं थी एक्साइटमेंट थी कि मैं सुबह आ रही हूँ सब कुछ दिखा दूंगी मेरे बॉडी में एक्साइटमेंट थी. अच्छा वैसे तैयारी में ज्यादा टाइम एक मिनट जरा मैं पब्लिक से पूछती हूँ है पब्लिक भी तो सारी औरतें. अच्छा आपसे पूछती हूँ मैं आपके बेटे भी होंगे है ना कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं. मेरे दो बेटे एक बेटी है. अच्छा आपके घर में जब कहीं शादी में जाना होता जब इन बच्चों की शादियां मादियां नहीं हुई थी जी. तो ज्यादा तैयारी में टाइम कौन लगाता था लड़के की लड़कियां. ऑब्वियसली बेटी बहुत टाइम लगाती है और थी. अच्छा अभी तक अभी तक और कोई माँ ऐसी कहे कि नहीं मेरे तो बेटे ज्यादा टाइम लगाते कोई है. ओके जरा माइक प्लीज आगे पास कर दीजिए जी जी. अस्सलाम वालेकुम. आपके कितने बेटे हैं आपकी कितनी बेटियां. मेरे तीन बेटे ही हैं. तो फिर आपको कैसे पता बेटे इसलिए पता है कि वो ज्यादा टाइम लगाते हैं. अच्छा लड़कियों से भी ज्यादा लगता है मुझे उनका टाइम लगता है. मतलब आप जल्दी तैयार हो जाती है बेटे बाद में तैयार हो रहे होते जी इसीलिए आप कह रहे जी. मैंने कहा आपको क्या एक्सपीरियंस है बेटियां तो लड़कों ने सिर्फ खुद तैयार होना होता है लड़कियों ने बाकी सारों के काम करने होते हैं. कोई ना कोई भाई भी आ जाएगा ये शर्ट भी इसलिए कर दो ये भी कर दो बेचारी उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है. इन लोगों ने बस अपना तैयार शादी के बाद उनको बच्चों को भी तैयार करना होता है. एग्जैक्टली है हस्बैंड की चीजें भी नहीं लेकिन लड़कों की सेल्फ सेक्स होता है. अरे मैं करती हूँ घर के काम मुझे पता है. मैं लड़की पूरी रेडी होती है वो सेट हो पाता और वो आखिरी वक्त तक जूते नहीं पहने जाते दरवाजे पे खड़े ना हो जाए ना वो जूते चढ़े होते हैं. इतना टाइम लगता है मुझे नहीं समझ आता लड़कों को उसकी वजह क्या. काउंटर अब काउंटर एक मिनट एक मिनट ओवर अब हमने एक मिनट शर्ट पैंट को बोलने दो. हमने आपके बीच में नहीं बोला शर्ट पैंट पहनेंगे तो अम्मी को बोलेंगे आप पीछे से बिल्कुल ठीक कर देना क्रीज आ रही है वो एंड तक चल रहा होता है. चले जी दुनिया गवाह है आप दुनिया की सारी शादियां उठा के देख लें दूल्हा वली में से एक घंटा पहले पॉलर जाता है बेचारा शेव करवाता है लिपा पोती कराता है दुल्हन शाम में 4-4 बजे जाके बैठ के क्या करती है भाई को ये बता मुझे. शाम में 4 बजे चले गई है 9 बजे वली में 5 घंटे तैयार हो गए सबका बता रहा हूँ. दुल्हन भी 15 मिनट में रेडी होती है बहुत सारी ब्राइड्स होती है अपॉइंटमेंट व्हेन यू टेक द सीट. हां तो बंदा वो होते ना तो अपने नंबर पे जाएं आप लड़के वहां भी जाकर कौन बैठता है ये तो गलत काउंटर हो गया. एक मिनट मैं आपको चीजें बता लड़कों की आप मुझे लड़कों की बोलने दो. अच्छा जी पहले प्राइमर लगता है फिर फाउंडेशन लगती है फिर ब्लश ऑन लगता है फिर लाइनर लगती है फिर आईलाइनर लगता है फिर आपके वो जो मस्कारा होता है वो लगता है फिर लिप लाइनर लगता है फिर लिपस्टिक लगती है फिर बाल गॉन्ग होते हैं फिर बाल ब्लो ड्राई होते हैं फिर स्टाइलिंग होती है. अब लड़कों के दिमाग अच्छा ये लिपस्टिक चूज नहीं करी चेंज कर लेते चार तो खत्म होता है. एक मिनट ऐसा कुछ भी नहीं होता लड़के भी मेकअप करवाते हैं आजकल लड़कों को भी होता है हमें भी थोड़ा तैयार कर दो यही होता है आजकल लड़कों का. चलो मैंने आपको 10 चीजें कहना लड़कियों की आप मुझे लड़कों की 10 चीजें बताने की जरूरत नहीं है. आपको बेनिफिट लगाते हैं सामने पड़ेगा. एक इश्यू होता है कि यार मेकअप आर्टिस्ट हमारे बाल नहीं बन पाते यार. मैं खुद बनाता हूँ मैं तो खुद बनाता हूँ वो तो मेकअप आर्टिस्ट का मसला है लड़के का मसला थोड़ी है. ब्लो ड्राई नहीं हो रहा बालों का यार ये तो मेकअप आर्टिस्ट का मसला है लड़के का मसला थोड़ी है. मैं तो बाल खुद बनाता हूँ मेकअप आर्टिस्ट का मसला होता है. अच्छा सुबह उठना है काम पे जाना है सुस्ती ज्यादा कौन दिखाता है. एक मिनट बताइए अम्मी
बेटा क्या बेटी बोतल में बोल ले जी सोचती नहीं बेटी माशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार एक्टिव है या वेरी एक्टिव सुबह उठाती है तो दोनों दोनों में से बच्चों में से बेटों में से या बेटी में से कौन ज्यादा आराम से उठ जाता था स्कूल कॉलेज बेटी 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 और बेटों को कितना दफा उठाना पड़ता था छोटे वाले को बहुत मुश्किल होता था पानी फेंकना पड़ता था उसको जी फेंकना पड़ता होगा आपको क्या लगता है कि सुस्ती किसमें ज्यादा होती है लड़कों में कि लड़कियों में लड़कों में कैसे हो सकती है क्या मतलब कैसे हो सकती है चार बजे तक तो सो रहे होते हैं वो तो चार बजे सोते भी तो हैं मुझे ऐसा लगता है कि सुस्ती का किसी लड़का लड़की से कोई लेना देना नहीं इंसान से लेना देना अच्छा हाँ ये गलत हर इंसान कोई सुस्त होता है कोई एक्टिव होता है हाँ मैं तो एक्टिव हूँ इसलिए मुझे पता लड़कियों में चले मैं भी आपको एक और सवाल सुबह उठने वाले सारे काम तकरीबन भाई दूध देने वाला कौन आता है आदमी अखबार फेंकने वाला कौन आता है आदमी बाहर झाड़ू लगाने वाला कौन आता है आदमी पानी देने वाला कौन आता है आदमी नहीं नहीं तो सुबह की जितनी भी ड्यूटियां होती है वो तो तकरीबन मर्द रात का ही होता है काम वाली होती है वो भी दो घंटे लेट ये हुई बात ये लड़कियां भी तो सुबह टीचिंग करने ज्यादातर सुबह के टाइम वैन आए लेकिन वैन वाला तो मर्द होता है ना अगर लड़के टीचिंग करने जा रही है वैन वाला लेने कौन आ रहा है लेकिन वैन में बिठाने वाली तो माँ होती है ना बाबू नहीं था कभी बच्चों को वैन में बिठाते हुए बाप ऑफिस के लिए तैयार होता है ऑफिस के लिए तैयार कपड़े भी मम्मी उठ के सबका करके फिर सबसे पहले घर में औरत ही तो उठती है सबको उठाती है कभी अब्बा अलार्म लगा के उठेंगे कभी भी नहीं ये तो बात है क्योंकि अब्बा को ऑफिस जाना होता है ना 9 बजे इसलिए नहीं उठते वो तूफान जाने के बाद उठते जिस घर में लड़की भी काम करती है बंदा भी काम करता हो तो वहाँ पर अगर बच्चे भी हो उनके तो ऑब्वियसली औरत उठती है वो अलग अलग बंदे को बेड़ा घर का घर के जा दोनों काम करते हैं ये तो सही है ये तो ऑब्वियस बेड़ा घर को बेड़ा घर के जहाँ दोनों काम करते हैं क्यों बेड़ा घर भाई उसकी वजह ये पति किसी ने कहीं रख दी वो ढूंढ रही है पति कहाँ चलेगी पति कहाँ चलेगी ये होता है राजा गाड़ी किसी ने मियाँ ने पंचर लगा के कर दिया बेगम को जाने पंचर हो गई एक हाथ में एक चीज रहती सही रहती है अच्छा इसके दोनों कामों में हर नुकसान बंदे ने किया आप ये देख ले बंदे ने गाड़ी पंचर कर दी पत्ती बंदे ने रख दी फसाद की जड़ी बंदा है आप लोग तो सब फरिश्ते हैं लड़के अच्छा और लड़के की शर्ट और जूता वो नहीं पहना तो भाई वो आपकी हेयर पिंस लेने क्या होता है भाई सवाल आपसे ही अगला सवाल है ना आप वो मेरी बन गई एक्सपेरिमेंटल माउस सही है बेटा और बेटी दोनों आपके पास हैं तो अगर आप पॉकेट मनी देती थी दोनों को ज्यादा पैसे फजूल खर्च कौन करता था और पहले पॉकेट मनी खर्च करके कौन आ जाता था मम्मी सने थोड़े और पैसे और दे ज्यादा फजूल खर्ची कौन करता था बेटी ही करती थी इसकी जरूरत बेटी करती थी हाँ और छोटा बेटा जो था वो भी बहुत बराबर आपका दिमाग क्या कहता है कि लड़कियां ज्यादा फजूल खर्च होती हैं कि लड़के आई थिंक लड़कियां लड़कियां ओके जी लड़कियां फजूल खर्च होती है मैं बहुत फजूल खर्च हूं मैं क्या बोलूं नहीं लड़कियां ज्यादा शॉपाहोलिक होती है चीज नहीं भी चाहिए तो ये ले लो मुझे लगता है कि लड़के थोड़ा भी हॉके वाली बैठी ये भी कुछ नहीं बोलती तो मैं एक वक्त जाती हूं ना फिर लाती हूं रोजाना थोड़ी लड़कों के लिए मार्केट से मिलता है क्या हर चीज खरीदेंगे क्या बात सुनो जब शादी हो जाती है तो मियाँ सारे पैसे लाके बीवी को देता है वो कमेटियां डाल डाल के सोफा ले रही होती है घर का फ्रिज ले रही होती है तो वो तो जमा करती है सेविंग करती है काफी मर्द के हाथ में तो ये कहते हैं कि सुराख होता है वो तो जमा नहीं कर सकता उसको ऑपरेशन करा के उसको ऑपरेशन करा गलत बात है अपनी माँ के पास पैसे रखवाता है फिर वो अपनी बीवियों के पास रखवाता है
या अगर माँ नहीं होती तो बड़ी बहनों के पास रखवाते कि जरा जमा कर ले। कौन से मर्द है ये? कौन से मर्द है भाई? तो ये औरतों के पास पैसे रखवाते हैं। नए मॉडल के हमारे हमारे जमाने के नहीं है ऐसे मर्द, हमारे जमाने के मर्द ऐसे। अच्छा देखिए, फजूल खर्ची पहले तो आपको डिसाइड करिए किस किस एरिया में वो लोग करें। अगर तो कपड़े ले रहे हैं या जूते ले रहे हैं वो तो अपने ले ले रहे हैं। मैं बताऊं लड़के किस चीज में फजूल खर्ची करते हैं? लड़कियों को सेट करने में। नहीं ये तो फिर पागल लड़के उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये मौसम के साथ साथ लड़कियां भी चेंज होती हैं, उनकी जरूरियात भी चेंज होती हैं, तो इसलिए फजूल खर्ची तो होती है ना मेरे भाई। हर लड़की की अलग रिक्वायरमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुद मुख्तार है। यहां पे भी खर्चा लड़की ही करवा रही है, लड़का नहीं कर रहा। कर तो नहीं रही लेकिन लड़की मर्जी से कर रहा है ना खर्चा। मर्जी से नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा है, ऑप्शन नहीं है कोई। अच्छा मैं एक सवाल आपसे फिर से, ये फैसला नहीं हो पाएगा कभी भी कौन ज्यादा फजूल खर्चा, कौन खाने में नखरे कौन करता है घर में, ज्यादा लड़के करते हैं या लड़कियां करती हैं? लड़के लड़के बिल्कुल। क्या कहते हैं लड़के के, जैसे हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, या आपने ये क्यों पका दिया है? बिल्कुल मुर्गी की टांग मुझे दें। नहीं नहीं ये नहीं होता लेकिन लड़कों को गोश्त वाली चीजें ज्यादा चाहिए, दे नो लाइक वेजिटेबल्स। सब्जियां खाते हैं तो वो बस नहीं, उनको नहीं चाहिए। हाँ उनको नहीं चाहिए गोश्त। या कभी हलीम बन जाते हैं तो वो कहते खाना क्या है, कब मिलेगा वो जिम जिम की वजह से जी लड़कियों जरूरत है। क्या लगता है कि हम तो चार बहनें थे हमारी अम्मी उतनी घर पे, हमारा तो ऐसा चिल होता था, कुछ भी पका लो, कुछ खा लो, मैगी खा लिया, कुछ खा लिया। लड़के बड़े पर्टिकुलर होते हैं, आज क्या है खाने में, क्या अच्छा ये है, उसके साथ क्या, अरे यही है उसके साथ, कुछ नहीं। मरियम तुम लोग कुछ, मेरा भाई बहुत ज्यादा, आई थिंक यू मेट माई ब्रदर, वो तो बहुत ही फसाद करता है घर में, इतना तेल क्यों है खाने में, इतना ये क्यों है खाने में, रोटी क्यों है, टाइमर चला दे उसने। अच्छा दाल के साथ कुछ गोश्त या चिकन का अलग बनेगा, फिर उसके साथ सलाद भी चाहिए, बहुत नखरे भाई लड़कों के। क्योंकि लड़कों को गोश्त इसलिए खाने का ज्यादा होता है क्योंकि देखो एक तो मेहनत बहुत करते हैं। अच्छा भाई देखो जिम जिम करते हैं, उनको प्रोटीन चाहिए होता है, तो लड़कियां खाएं, हमने रोका उनको, ये कब नहीं खा रही, मुर्गी की टांग खा ले, कौन मना कर रहा है भाई। सुबह से लेके बेचारे स्कूल में, फिर क्रिकेट खेलते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर दोस्तों में बाहर घूमना होता है, तो कुछ होता है ना, कुछ खाने को चाहिए देखो। उसको भी लड़का है, वो मुंह लगी उसको भी। हाँ बेटा मिलते भी बोटियां मिलेंगी समय। अच्छा आप लोगों के नखरे हैं खाने में, आप तीनों के? हाँ थोड़े बहुत, आप तो लाहौर में, अम्मा अब्बा है? नहीं गुजरावाला में, गुजरावाला मैं लाहौर में रहता हूँ ना, वहाँ नखरे थे ना वहाँ पे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि होते हैं मर्दों के, जैसे अम्मी अब्बू से पूछती है क्या बनाना है, कहते कुछ भी बना लो, जब बन जाता है कहते ये क्या बना दी, ये तो बड़ा अच्छा। अच्छा और आपके यहाँ क्या कहानी होती है? खा लेता हूँ मैं, वैसे खा लेते हैं, बेगम ने कुछ भी बनाया, सब कुछ खा लेता हूँ, कोई नखरा अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, कभी टेबल पे नहीं, ऐसा कभी खाने को कभी भी ऐसा कभी नहीं किया, पर बहुत ज्यादा गोश्त खो रहे हैं, गोश्त बड़ा बेटा है घर का, नहीं बड़े बेटे की नहीं, हम टीवी पे आता है हमारे गोश्त खा लेते हैं, गोश्त खो रहे हैं, दाल पक जाती तो हंगामा हो जाता है। अच्छा मैंने सुना इंटरनेशनली मर्द ज्यादा अच्छा खाना पकाते हैं, उनके हाथ में बड़ा टेस्ट होता है, लेकिन हम घर में देखते तो अब्बा ने जब जब खाना बनाया है हमने बाहर से ही मंगाया है, इतना बुरा हाल करते हैं किचन का, अम्मी बीमार हो गई किसी दिन और अब्बा को खाना बनाना पड़े तो बच्चे जो है ना वो रो रो के खाना खाते हैं, क्या जलावा पका दिया। मेरे अब्बू ने एक दफा जिंदगी में कढ़ाई बनाई थी जली हुई, जली हुई कढ़ाई, अम्मी बीमार थी, जली हुई कढ़ाई हमने खाई, मुझे तो हमेशा यही याद रहा है। आप लोग क्या कहते हैं, लड़कियां ज्यादा अच्छी शेफ होती हैं, ज्यादा अच्छा खाना पकाती हैं या लड़के? मुझे मेरे घर में उल्टे, मेरे बाबा बहुत अच्छा खाना बनाते, मेरे बाबा मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छा खाना बनाते। अच्छा तो दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बिरयानी को मैं बड़े वाले खाने सारे, और मेरे बाबा का तो रेस्टोरेंट है, उनको ना छोटा बनाने की आदत भी नहीं, वो देख के मैं चढ़ा देंगे, मेरे घर में दो लोग हैं, इतनी निहारी बन रही है पता नहीं क्यों बन रही है, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और बहुत अमेजिंग खाना। और तो खवातीन अच्छा नहीं बनाती कंपैरेटिवली? नहीं नहीं मेरी सास भी अच्छा बनाती है, लेकिन मेरी अम्मी से कंपैरेटिवली मेरे बाबा बहुत अच्छा ज्यादा बनाते हैं। हाँ मरियम मुझे ऐसा लगता है हमें यही कहना चाहिए कि बंदे अच्छा खाना बनाते हैं ताकि आइंदा बस बंदे ही खाना बनाए। बहुत अच्छी बात है, बंदे ही बना रहे हैं, अच्छे होटल में चले बंदे ही बना रहे हैं।
शेफ सारे बंद नहीं है। तो पता है मैंने लस्सी बिरयानी खिलाई थी भाई को, वो लस्सी डाल दी थी मैंने दही के बजाय बिरयानी में, बेचारे दोनों भाइयों ने। तुम्हें लगता है और अभी एक मिनट लस्सी वाली बिरयानी, क्योंकि अम्मी नहीं थी घर पे इसलिए फसाद नहीं किया। अच्छी बात, वरना करते, वरना करते। अच्छा तो यहाँ कहा जा रहा है बकायदा कि लड़के ज्यादा अच्छे शेफ होते हैं, आप लोग ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल होता है, ऐसी यकीनी बात है। आप होटल की दाल खाएं, आप घर की कढ़ाई भूल जाएंगे। प्रूफ करके दिखाओ होटल की, एक मिनट प्रूफ करवाते हैं। बहुत हो गई लफाजियां, बहुत हो गए जुमले, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम ये करते हैं, ये इस पे नहीं चल सकता मेरा शो। तो हम बुलाते हैं एक ऐसी खातून को जो बहुत कम बोलती है, मतलब बुलवाना पड़ता है उनसे। कौन है ये? तो अजूबा है, वंडर इन द वर्ल्ड। और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, प्लीज आप आइएगा तो प्लीज थोड़ा सा बोल लीजिएगा। तो हम खाना भी बड़ा अच्छा पकाती हैं वो, लेकिन बस बोलती नहीं है। तो कोई बात नहीं, बोलने का काम मैं कर लूंगी। आइए वेलकम करते हैं शेफ फरा को। जी अच्छा, फरा फरा का काम कुछ ऐसा है कि फरा, आपको पता है फरा शेफ है, फरा ने एक रेसिपी आपके सामने रखी हुई है और हमने क्या करना है, आपकी आंखें खुली होंगी, आपके हाथ खुले होंगे, लेकिन आपके मुंह बंद होंगे, ठीक है? मुंह आपके बंद होंगे, आपके सिर्फ कान तेजी से खुले होंगे, ठीक है? और हाथ तेजी से काम करोगे। आपने फरा जो बताती जाएंगी, ये पिलर के पीछे खड़ोगी, ना लड़कों को नजर आएंगी ना लड़कियों को नजर आएंगी। आप पूछ नहीं सकते कि आपने क्या कह रही है, समझ नहीं आ रहा, रिपीट करें। ये बोलती जाएंगी, अगर इनका दिल चाह बोल, बहुत कम बोलती, अभी वो ठीक है। उसके बाद आप लोग कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जो ये बताती जाएंगी आपने वही करना होगा। देखते हैं कि उनकी बताई हुई रेसिपी सबसे अच्छा कौन, उसी टाइम में, उसी टाइम में, टाइम लिमिट में। फरा मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, कोई ऐसी जगह कोना ढूंढ लो इस शो का जहाँ सिर्फ तुम्हारी आवाज आए, ठीक है? बाकी तुम ऐसा करो पैनल पे ही चली जाओ, चली जाती नहीं। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद लड़कों को भी नजर ना हो, ऐसे छुपना दोनों तरफ, लेकिन जोर से बोलना प्लीज। नहीं मेरी वैसे आवाज बहुत स्लो है। जी जी हमने सुनी थी, बिल्कुल इधर आ जाओ, इस वाले पिलर पे आ जाएगा सिर्फ मम्मी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आई कब बोलने वाली शेफ फरा से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार हैं या लड़के? आइए जी, बहुत हो गई बात, बहुत हो गई। मैंने इनके मुंह ही बंद कर दिए कि ये बोलेंगे ही नहीं। अब कुछ करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी पता चलेगा कौन ज्यादा जिम्मेदार है। तो हमारी बहुत ही कम बोलने वाली फरा, ओवर टू यू। अच्छा मैं सुन रही थी कि यहाँ पर लड़कियाँ कह रही थी कि हम बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, लड़के कह रहे थे हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि अच्छा खाना कौन बनाते हैं। मैं रेसिपी स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले आपको बता दूं कि सारा सामान जो है वो आपके आपके टेबल पे रखा हुआ है, सारी चीजें मौजूद है। तो कोई ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि मेरे पास ये नहीं था वो नहीं था, क्योंकि जो हार जाता है वो ऐसे ही कहता है हमेशा। तो बस हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मेरी किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि रेसिपी में स्टार्ट कर रही हूँ। हम बना रहे बहुत ही आसान सा केक, केक हर घर में होता है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मैं बहुत आसान आसान रेसिपी बताती हूँ, मैं किसी अपने गेस्ट को तकलीफ नहीं देना चाहती, तो नो बेक केक मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जल्दी से आप अपना सामान और चीजें देख लो, फटाफट अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो आपके पास रखे हुए यहाँ पर बिस्किट जो कि सादे बिस्किट है, और आपके पास दूध भी रखा हुआ है, फ्रेश क्रीम भी रखी हुई है, आपके पास चॉकलेट क्रीम भी रखी हुई है, और साथ साथ चेरीज भी है, कॉकटेल है जिसे मिक्स फ्रूट कहा जाता है, आइसिंग शुगर है, और साथ साथ वेनिला एसेंस भी है आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लेना है फ्रेश क्रीम, उसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करना है, वेनिला एसेंस शामिल करना है, और आइसिंग शुगर शामिल करके उसको अच्छी तरह से बीट करना है, इसको प्लेटना है बहुत अच्छी तरह से कि तमाम चीजें एक साथ मिक्स हो जाए। उससे पहले उसके साइड में रख दे, सबसे पहले प्लेट ले, प्लेट पे आपने बिस्किट को अच्छी तरह से फैला देना है, स्प्रेड कर देना है, इसकी तह बनानी है जिस तरह से केक की तह होती है। तो आपने ये काम कर लिए होंगे क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से बोल रही हूँ। जल्दी से आपने करने के बाद जो फ्रेश क्रीम के पास दोबारा चलते हैं, फ्रेश क्रीम में जो आपने चीजें शामिल की थी उसके साथ थोड़ा सा आपने उसके आपके पास पड़ा हुआ है मिक्स फ्रूट, कॉकटेल फ्रूट, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, उसको मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। उसको मिक्स करेंगे तो एक क्रीम बन जाएगी, उसको अच्छी तरह से व्हिप करने के बाद आपने करना है उसको
जिस प्लेट में आपने बिस्किट रखे हुए उस पर फैलाना है। जाहिर बात है जब केक होता है तो इसके ऊपर जब केक बन जाते हैं बेक्ड हो जाता है तो हम इसके ऊपर फ्रेश क्रीम को फैलाया जाता है बहुत अच्छी तरह से सफाई के साथ। और साथ साथ हमने आपकी आसानी के लिए बहुत आसानियां कर दी है। कोन जेली कोन और चॉकलेट कोन आपके पास पहले से हमने फिल करके रखे हुए ताकि आपको परेशानी ना हो तकलीफ ना हो। अच्छा ठीक है आपने अच्छी तरह से कर लेना है केक को अच्छी तरह से मिक्स करके सफाई का बहुत ख्याल रखना है। टिश्यू पेपर आपके पास है प्लेट के कॉर्नर्स को साफ कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे आप समझे आपकी बर्थडे आपके बच्चे की बर्थडे आपके साथ की सुसर की घर वालों की किसी की भी बर्थडे तो केक को बहुत अच्छी तरह से आपने इसको गार्निश करना है। आपने अब लेना है यहाँ पर जेली कोन उसे अच्छी तरह से कॉर्नर के एजेस पर जेली कोन की मदद से आपने डिजाइन बनानी है। डिजाइन के लिए आपकी मर्जी है आप किसी भी तरह के डिजाइन बनाए एक दूसरे की शक्लें बना दे कुछ भी बना दे वो आप पे इन्हासार करता है मुझ पे नहीं करता बस अच्छी सी डिजाइन बनानी है। और साथ साथ चॉकलेट कोन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट कोन को भी आप अच्छी तरह से आपने लगाना है मिलाना है। और आपके पास चेरीज जिस तरह से आपने देखा होगा बचपन में बर्थडे केक आते थे चेरीज कॉर्नर पे लगी होती थी उस तरह से आप गार्निश कर दे। और साइड में आप क्या कर सकते हैं कॉकटेल है आपके पास फ्रूट्स है वो फ्रूट्स आप बीच में इसको अच्छी तरह से सजा सकते हैं और खूबसूरती से सजा ले अच्छा है बहुत आसान है। आपके पास मैंने रखी हुई यहाँ पर चॉकलेट क्रीम भी रखी हुई चॉकलेट क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लें चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा आप आइसिंग शुगर भी मिला सकते हैं। बीट करने के बाद उसको अच्छी तरह से केक पे फैला दें जिस तरह से हम तय बते लेयर्स बाय लेयर्स हम केक को बनाते हैं। आपने केक जरूर बनाया होगा नहीं बनाया होगा तो खाया तो जरूर होगा आपको पता तो होगा केक कैसे बनता है। बहुत आसान सके आपके सामने हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी। मेरी रेसिपी तो कंप्लीट हो गई पता नहीं इनका काम खत्म हुआ ही नहीं हुआ। दोबारा से रिपीट करती हूँ एक बार से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपने बिस्किट लेने सादे बिस्किट में नहीं 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 रिपीट करने की जरूरत नहीं है अब आप शकील भाई जरा देखे अब मैं एक एक करके दिखा रही हूँ आपने किसका क्लोज दिखा है मैं दिखाती हूँ। मैं ऑडियंस को सबसे पहले दिखाऊंगी मैं शेफ परा से पूछूंगी। ये आप मरियम की देख रहे हैं ये मरियम की रिजल्ट तैयार की है जो शेफ परा ने इनको डिक्टेट की थी। आइए जी नेक्स्ट बस करें क्या खा जाएंगे केक के ऊपर क्यों लाओ लाओ ये दिखाओ भाई प्लेटर पे क्या है फिर भी ये प्लेटर में दिखा देते ये है जी असला आसमा की ठीक है बस खाएंगे क्या अच्छा क्या वो अच्छा ये घर ले जाएंगे और ये है सिरा की ठीक है ओके जी कैमरा शिफ्टेड टू हमारे शेफ ओके जी रमीश तो हिम्मत ही हार गए रमीश तो ये एक सुघड़ा इंसान ने बहुत कोशिश की है बनाने की है अल्लाह देख रहा है ये वो बंदा है जो रोटी बनाने में भी जीत चुका है और नॉट बैड बेचारा मुझे समझ आ गया ये अकेला यहाँ रहता है बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए मिक्स कर लो ये लड़का उसामा ये कैसे खाना खाता होगा मुझे लगता है सब्जियां पकाता होगा छिलकों समेत करेले पकते होंगे छिलकों समेत जस्ट इमेजिन ओह माय गॉड इसको तो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूंगा ये क्या किया है इन्होंने ये अब शेफ फरा मुझे उम्मीद है कि आप थक गई होंगी नहीं मैं बिल्कुल देखिए मैं इतना कम बोलती हूँ मैंने इतनी आसान सी रेसिपी मैंने सेलेक्ट की थी कि मैं इनके लिए बहुत आसान थी लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया है जबकि इतना आसान सब आपकी सब किया है आपने जल्दी तो उन्हें अच्छा दोनों भाई आ गया अच्छा चले अंधों में गाना राजा ठीक है ये आप ये सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लग रहा है किससे ज्यादा अच्छी इधर देखे थोड़ा सा नहीं मैंने देख लिया अच्छे लग रहे ये कुछ बेहतर है किसी को खिलाया जा सकता है रखा जा सकता है तो आपको लगता है मैं दे दूं वोट लड़कियों की तरफ वोट आप दे सकते हैं बेहतर किया है बहुत अच्छा किया है जिम्मेदारी से काम किया सारा मैंने छुपा दिया जो कि स्टैंड में बनाया मैंने बहुत कोशिश की है मैंने बहुत मेहनत की है हर चीज में चमचा चलाया मैंने चमचे से हर चीज में चमचा चलाया अपनी जगह पे रख दिया चमचे से डाइट के बना दिया अच्छा डाइट नहीं तो बिस्किट ही नहीं रखना था ना खाली प्लेट रखनी थी आपने प्लेटर को खाली रखा थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत मजा आया थैंक यू मतलब इस सेगमेंट की जान फरा होती है
हम लोगों का हंस हंस के सब और हमारी जान निकाल दी इस बार. अच्छा आप टेस्ट करें, मेरा वाला अच्छा बना. नहीं 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 मैं नहीं कर रही. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस रेसिपी को शेयर करने में. आप लोगों को तो जरूर समझ आई होगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में. ओके जी, टिश्यू दे दे. हाँ जी, अगला सवाल एक्सपेरिमेंटल माउस की तरफ जा रहे हैं जी. अपनी चीजें कौन संभाल के ज्यादा रखता है, लड़कियां या लड़के? जो स्वेटर्स या जो चीजें आप उनको ला के देती हैं, वो संभले हुए कौन किसके पास होते हैं, लड़कों की अलमारी में या लड़कियों? नहीं, मेरी बेटी ज्यादा संभालती. बेटी ज्यादा संभालती. आपको लगता है कि लड़कियां ज्यादा चीजें संभाल के रखती हैं उन्हें? अब मेरे बच्चों की जो वाइफ्स हैं वो संभालती हैं. अब वो मतलब लाइक लड़के संभालते ही नहीं? नो, पहले अम्माएं संभालती फिर बेटी संभालती. यही जिम्मेदारी जी. लड़कों आप लोग इस चीज पे कोई रोशनी डालेंगे? देखिए ये घरदारी वाला मामला है और ये घरदारी संभालना, घर की चीजें संभालना. मोबाइल घूम गया मतलब लाइक गाड़ी में की चाबी रख के भूल गए, कंघी नहीं मिल रही, वो इसलिए कि आप 10,000 चीजें सोच रहे हो. एक है एक नहीं है मतलब. देखिए जब आप 10,000 चीजें एक साथ सोच रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो आप चीजें स्किप कर देते हैं. मतलब जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना मतलब के बच्चों के मोबाइल. नहीं 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 नहीं, ये मैंने दिन जी का मोबाइल कौन भूलता है, पकड़ा जाएगा फिर. तो मल्टीटास्किंग क्या है, क्या क्या? देखिए जब आपको फिक्र होती है ऑफिस का ये काम करना है, फला को ये चीज लेनी है, घर से बाहर से ये चीज लानी है, ऑफिस का तो हो गई एक टेंशन. चलो एक दिमाग में खाने में ऑफिस की टेंशन, दूसरे खाने में ऑफिस की टेंशन, बीवी को पैसे देने हैं, शॉपिंग में लेके जाना है, शॉपिंग में लेके जाना है, लोन दिलानी है, लोन दिलानी है, नई नई लोन आ रही है वो दिलानी है, तो टेंशन होती है. तीसरी टेंशन अब उनको नई लोन दिलानी है, नई लोन दिलानी है, उसने एक दफा पहले कहां से आएंगे, उसने एक दफा पहले पैसे कहां से आएंगे, ये टेंशन सबसे ज्यादा. पैसे कहां से आएंगे? अच्छा तो ये है, होता है चीजें तो सेफ रहती है, चीजें सेफ रहती है. चीजें सेफ. अच्छा वैसे मेरी चीजें घूमती बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा खुद ही कभी मिल जाती है, खुद ही मिल जाती है, क्योंकि घर इतना फैला हुआ होता है कि वो उसके नीचे झूमना मुश्किल. वो हां एक दो महीने बाद मिल जाती है, लेकिन मिल जाती है. और अगर वो चीज कंटिन्यूटी की हो तो? नहीं फिर नहीं घूमती. वो मैंने बैग बनाए हुए उसके. तुम लोग बेचारे टिपिकल मर्दों की तरह औरत को घर से बाहर निकाल ही नहीं रहे, बस औरत घर पर ही रहती है. घर लाया कब उसको? अरे काम पे लड़कियां भी जाती है, तो काम पे बैठी है, बातें होती है. मेरी वाली तो शायद पैदा भी नहीं हुई अभी तक. अम्मा इतने तुम छोटे लड़की से करोगे क्या है? फिर तुम 50 साल का इंतजार करो जब तक वो 25 की हो. नहीं कह रहे ना पैदा नहीं हुई. अब बेचारी वो कोई अब इनकी तरह कौन था वो अभी कौन तुम इसकी तरह थोड़ी यार लड़की की जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी. जल्दी हो गई. अच्छी बात है, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है. अच्छा बस सारे चार कल मर्जियां इकट्ठे हो गए. अच्छा हां. अच्छा अब ये एक सवाल, ये वाला भी आप लोग हार गए. ये नहीं जीत गए, हमारी चीज सही है, लड़के जिम्मेदार नहीं. नहीं अगर आप जबरदस्ती जितवाना चाहते हो तो कोई मतलब शो आपका. अच्छा नहीं नहीं ये बात ठीक है, हम तो बैठे हैं, शो आपका है. गई हम लोग जीत गए हैं. मेरे केक तो आप जीत गए हैं, आपने तो करा बेकरी गोल. अरे ओह. अच्छा एक बात बताए, ज्यादा जल्दी हमें किसकी शादी करनी चाहिए, लड़कियों की के लड़कों की? लड़के की. लड़कों की. नहीं मैं आपसे पूछ रही हूं, लड़कों की एज आई थिंक 25 बेस्ट है. हां और लड़कियों की आई थिंक आफ्टर 18 टू 22 कर देनी चाहिए. अच्छा अच्छा, मतलब लड़कियों को जल्दी शादी करा दें और लड़कों को देर से. जी ताकि वो सेटल हो जाए ना, अब लड़के पहले और फिर उनकी होनी चाहिए शादी. अच्छा जैसे मेरे बेटा और बेटी दोनों, तो मैं तो अब सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा करूँ पहले, फिर उसकी शादी करूँ. नहीं तो 18 टू 22 लड़कियाँ खड़ी हो जाती है, 22 में तो हो जाती है. पढ़ाई करते ही उनकी शादी कर देनी चाहिए. हाँ अगर बहुत अच्छा. 21 तक तो मेरे ख्याल से मास्टर्स वगैरह ही खत्म होता है ना. नहीं इसके बाद कर लेती है, कंटिन्यू करती है. मेरी बेटी ने कंटिन्यू किया था. अच्छा हाँ हाँ, उसने मास्टर्स किया था. तो शादी के बाद कंटिन्यू करना आपको लगता आसान है? हाँ इट डिपेंड्स के आपके हस्बैंड कैसा है या इन-लॉज कैसे हैं. अच्छा सारी जिम्मेदारी इन द एंड मर्द की जिम्मेदारी, चेक कर ले बस खत्म हो गई. मैं कहती हूँ लड़कों की शादी जल्दी करा देनी चाहिए. अच्छा क्योंकि फिर इनको दूसरी भी करनी होती है, तीसरी भी. वैसे ये एक बात तुमने बिल्कुल सही पकड़ी, जो मुझे आजकल माशरे में नजर आ रहा है, अगर किसी लड़के की यंग एज में शादी हो गई ना, तो उसको बुढ़ापे में जरूर एक जवान लड़की चाहिए दूसरी शादी के लिए. ये मुझे आजकल माशरे में बहुत वैलिड पॉइंट. अच्छा पहली वाली जो बेचारी उस वक्त उतनी छोटी सी होती, मासूम सी,
पता नहीं क्यों जब मैं चौर हो जाती हूँ उसको जहर लगने लगती है। अर्कुन जैसा हो जाता है, मासूम नहीं रहता, उसके जोड़ों में दर्द हो जाता है, इसलिए फिर उसको वो इफेक्ट चाहिए थी जो पार्क में उसके साथ भाग सके। इतना काम करवाएगा वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगी। बुरे वक्तों में बेचारी पुरानी वाली और अच्छे वक्तों में नहीं, बेचारी ने इतना खड़े होकर पानी पी उसके घुटनों में पानी भर गया, वो अगर बैठ के पानी पी रही तो ऐसे नहीं है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मर्दों की शादी जल्दी होनी चाहिए कि होनी चाहिए, लड़कों की भी जल्दी हो जाए ना ताकि वो इधर उधर, क्योंकि हम मैं और मेरे हस्बैंड बहुत यंग कपल हैं तो हर कोई देख के चलो अच्छा जल्दी शादी कर, अच्छी बात है, लड़कों की भी जल्दी हो जानी चाहिए। तो लड़ाइयाँ तो नहीं होती, इमेच्योर होते हैं जब यंग होते हैं, लड़के तो थोड़े से होते हैं ना इमेच्योर, तो शादी से पहले सारी लड़ाइयाँ हो गई। लड़के थोड़े देर से मैच्योर होते हैं, लड़कियाँ जल्दी होते ही नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, नहीं होते दुनिया देख रहा होता है क्या है नॉर्दर्न एरियाज में, अम्मा के भी आगे बच्चा बना होता है, अपने हाथ से खाना खिला दो ना, और बेगम के हाथों भी कभी कभार बच्चा बनता है, बेगम के तो हाथों से खाना चाहिए, बेगम के तो हाथों से खाना। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ये लगता है कि ये वाला प्रेशर हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा है कि बस शादी हो जानी, ये उम्र हो गई शादी, उसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये टेंशन लेनी नहीं चाहिए कि शादी कब होगी, जब तक अच्छा पार्टनर नहीं मिलता इंतजार करना, बॉयज से होगी शादी करनी है शादी करनी, बुरे पार्टनर से बेहतर है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, गलत डिसीजन तो नहीं होना, जिंदगी भर का फैसला होता है, जिंदगी भर का फैसला, आप दोनों आप लोग यही सोच, बिल्कुल पुराने जमाने में ऐसा नहीं सोचा जाता, अच्छा मिल जाए तो जल्दी कर दो, आया है जल्दी से कर दो भाई, पता नहीं आए कि ना आए, बहुत सारे 25 साल में मैच्योर होते हैं, बहुत सारे 35 में मैच्योर, तुम नहीं होगे 35 में, मैं परेशान हूं मेंटली एज में बहुत। अच्छा, आजकल के लड़कों को किस तरह की जो लड़कियां हैं वो चाहिए होती, मैच्योर इमैच्योर थोड़ी सी बहुत यंग यंग किस तरह की चाहिए होती लड़की, आई गेस अब जो वक्त आ चुका है आपका जो वक्त है ना उसमें ये है कि बेसिकली आपकी बीवी से दोस्ती कितनी अच्छी है, अच्छा दोस्ती होनी चाहिए, दोस्त कितनी अच्छी है आपकी, तो आपका सफर ज्यादा आसान होता है। अच्छा, काफी लोग होते हैं जो सिर्फ लव के चक्कर में लव मैरिज कर, मैं लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन काफी बार ये होता है जब आप सिर्फ प्यार में कहते हैं बंदा अंधा हो जाता है, काफी चीजें बंदा नहीं, और इवन लड़कियों के लिए भी, लड़की भी वो लड़कों में जो उस वक्त उनको चीजें अच्छी लगती है, दोस्ती मैच्योर लड़की से भी हो सकती है, दोस्ती में चार लड़की से वही वाली बात कि आपकी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप लोग कितने अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, क्योंकि प्यार हमेशा नहीं रहता, वो प्यार शादी के वो लव मैरिज वाले जो उनके दो साल जो हर वक्त नहीं रहता वो प्यार होता ही नहीं, वो ऐसी आप क्या सोचते हैं जब शादी करने के लिए चूज करेंगे लड़की तो आप क्या देखेंगे उसमें, लंबी हो ये बता की बात है, देखिए बात ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों बस टकरे ना मारेंगे दूसरे को, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, किस तरह इमोशनल नहीं होनी चाहिए, फूल नहीं लेकर आए तुम पहले ऐसे, जो औरत इमोशनल नहीं वो औरत ही नहीं हुई, ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, औरत इमोशनल चाहिए मर्द प्रैक्टिकल, लड़की को आइडिया होना चाहिए कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, ऐसे नहीं होना चाहिए पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए, अब ये हो गए, चेंजेस आती है लाइफ, कुछ लड़कियां होती है ना वो शादी के बाद ही शौहर को बदलना शुरू कर देती है, ये ना करो ऐसा ना करो वो ना करो ये ना करो, दो साल बाद करेगी बहुत बदल गए हो, अब तुम लोगों को भी मौका दे रही हूं बोलने का, सही है, एक तो तुम्हारी तो हो गई एक्सपीरियंस, पहले तुम बोलो, मुझे अयाज वाली बात बिल्कुल ठीक लगी, दोस्त होना बहुत जरूरी है, अच्छा बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की फील को समझे, उनके काम को मेरे काम को, तो ये क्या दोस्ती होना बहुत जरूरी है, दोस्ती से बहुत चीजें मर के वो शक वाला पार्ट भी फिर नहीं रहता, आप हर चीज खुल के बता दो कि हाँ जी हुआ जी हुआ, अब पता होगा कि नहीं दूसरा बंदा शक करता है तो बंदा कुछ बताता ही नहीं, टिपिकल मैरिज में तो शक में मर जाता आदमी, हाँ एग्जैक्टली, शक वाला पार्ट होता है जब आप दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हो, अच्छा लिटरली, अगर बहुत बार मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि हाँ बेस्ट फ्रेंड मेरा उमर ही है, अगर मैं बहुत देखूं कि जैसे हर बार कुछ भी बोल दिया बातें कर ली तो वो फिर ना फ्रेंडशिप से हो जाता है कि वो ये सब स्ट्रांग मतलब ये कहना चाहिए आपके हस्बैंड को एक अच्छा आदमी बहुत अच्छा में बोल लिया, अरे मेरे ख्याल से एक इंसान एक तो टिपिकल नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये बोले कि इंसान मतलब जैसे उसके अपने राइट है औरतों के भी राइट है, बंदा पता नहीं क्यों खड़े होकर बोलता है औरतों के राइट है ये नहीं है, ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए, है ना, मिलेगा कोई ऐसा भाई औरतों की राइट है, मैंने चिराग लेके ढूंढा लेकिन उनकी शादी हो चुकी है। जी सर, आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए लड़का शादी वाला? सपोर्टिव होना चाहिए, अच्छा हर चीज में सपोर्ट करना चाहिए, अच्छा एक दूसरे को करें सपोर्ट तो वो ज्यादा बेहतर है।
थिंक सपोर्टिव मेन फैक्टर, बाकी वो कोई गंजा मोटा वाला चले कोई मसला नहीं उसमें कोई नहीं। वो भाभी वो शकवा लिबास से लतीफा याद है, वो आदमी था ना घर आया उसके बाल लगा हुआ था, बीबी ने कहा अच्छा तुम लड़कियों से मिल रहे हो, उसने बोला पता नहीं किसका बाल आ गया, अगले दिन है छोटा बाल लगा था, अच्छा छोटे बाल वाली लड़कियों से मिलने शुरू हो गए तो भाई बड़ा तंग हार के अगले दिन ना आया कोई बाल नहीं लगा था, बीबी फिर भी शक करी अच्छा गंजी और से मिल रहे हो। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लड़कियां ज्यादा जिम्मेदार हैं या लड़के। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अब तक मुकाबला लड़कियां थोड़ा जीत गई हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं आपको मौका दे रही हूँ, अभी गेम शो खत्म नहीं हुआ। काउंटर अच्छा जी, अगला सवाल आपके बेटे बेटियों में से ज्यादा इंटेलिजेंट, माइक प्लीज कोई तरह पहुंचा दें, हाँ आपके बच्चियों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन, लड़का के लड़की? आई थिंक दोनों मुझे तो एक से ही लगते हैं, लेकिन हाँ। लड़की ज्यादा है, ज्यादा मेहनती है, मेहनती भी है इंटेलिजेंट। ओके जी, आप लोग क्या कहते हैं, लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट? भाई मोबाइल रख दो भाई, शो कर लो। जी बाद में कर लेना, जवाब दे देना। इंटेलिजेंट लड़के ज्यादा होते हैं पर उनका फोकस जरा ऑफ होता है, मुझे नजर आ रहा है स्कूल में फेल नहीं होती है, सब होते हैं, हर इंसान का अपना अपना होता है, हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। एक मछली को इस तरह जज नहीं कर सकते कि वो दरख्त नहीं कर सकती। हमने 100 लोगों से पूछा कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि लड़कियां ज्यादा, तो 100 लोग क्या जवाब दे? लड़के एक सिंपल सोच के बताओ, लड़के या लड़की? लड़के, लड़का। एकेडमिक्स में, एक मिनट, एकेडमिक्स में लड़कियां, फोकस का मसला है वो, लाइफ में लड़के, इंटेलिजेंस का मसला नहीं, फोकस का। हां सफाई से कोई दूध लाने में, अखबार वाले, यू आर राइट, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, लड़कियां। ओके जी, कहने को क्या चाहिए मुझे, सॉरी सॉरी मुझे कोई बातें नहीं चाहिए, आइए प्रैक्टिकली करके दिखाइए। आपने बड़ा अखबारों में आते थे क्रॉसवर्ड्स खेले होंगे आपने, आपके पास फेवरेट, तीनों लड़कियां और तीनों लड़के यहाँ यहाँ खड़े हो जाए इधर, बजर बजाए बगैर आपने उधर मार्क नहीं करना, जाते क्रॉसवर्ड। अच्छा पहले मार्क करना है फिर बजर बजाना, सॉरी सॉरी, यहाँ पहले मार्क करना है उसके बाद बजर बजाना है कि आपका पॉइंट हो जाए, ठीक है? हाँ, इससे ज्यादा बजर बजा है, हम लिखते जाएंगे, जीत जाएगा। पहले मार्क करके फिर बजर कर, पहले मार्क कराना है। हम तीनों एट द सेम टाइम कर सकते हैं ना, तीनों जाके कर सकते हैं, हाँ वन बाय वन, ठीक है ओके, जैसी मर्जी जो जो नजर आए, लेकिन बजर बजाना जरूरी है, मार्क बजर के वजह से हम गिन पाएंगे, मैं लिख पाऊंगी कि अच्छा एक नंबर इसका, एक नंबर मुझे भी पेन दो, नजर से ओझल नहीं होना चाहिए, तेरा कनेक्शन होगी सही बता ना, बस दोनों वहां चले जाओ, जो पहले मार्क कर देगा वो पहले लाइन बनानी है, फिर पहले मार्क करना है फिर आके बजर बजाना है, खुद आके बजर बजाएगा, नहीं नहीं नहीं, जो मार्क करेगा उसी बंदे ने जो मार्क करेगा, ओके ओके। क्वेश्चन है इंग्लिश के वर्ड्स हैं या वो बाकी वो जो रोमन होते हैं? नहीं रोमन भी है। ओके रेडी, गेट सेट गो। ओ मेरे दम, नहीं दम, गलती हो गई, बजर का स्विच ही निकल गया, नहीं बजा नहीं रुक रहा भाई, बजर वाले को पीछे भेज दिया मैंने, कह रही देखो क्या प्रॉब्लम हुई है, ये स्विच ही निकाल दिया लड़कों ने, स्विच निकाल दिया, रात लात मार दी, नहीं 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 गलत, ट्रेन नहीं होगा, नहीं ये चड्डी है ये, अन्ना ओके 5 4 कम ऑन 3 2 1 ओके ओके, ये लड़कों ने किया क्या है, ये क्या किया, हमने नाम लिखे, आपको बताते हैं, एक मिनट जरा छोड़ दो, आप मार्कर्स रख दो, पार्टी पार्टी खत्म, ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों कैमरे के लिए जगह छोड़ दो, छोड़ आ जाए, जी ओके जी, मैं बताता हूँ ओके, लिखती जाओ हेरा तुम, एक पॉइंट, मोबाइल मोबाइल,
बुखार 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 दो दो पॉइंट पीछे हो ना. अच्छा मैं बता रहा हूं ना ये क्या, ये पॉन्ग का कोई वर्ड है लिखा हुआ भाई है पॉन्ग का है मैंने भी पॉन्ग का किया पॉन्ग का वर्ड है. ओके ओके ठीक है भाई कोई है कि मैं सो गए सब. हां ओके नहीं नहीं पंखा है मेरे पास लिखा हुआ है मेरे पास पंखा 26 नंबर पे लिखा हुआ है 26 नंबर पे ठीक है. ओके ठीक है सन्नाटा 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 और ये नाटा ओके नाटा भी है नाटा छोटे का वो कहते हैं कोडू नाटक. हाँ नाटा नहीं है नाटा तो है आपके पास नहीं है अलग मसला है. हमने निकाल लिया हम लोग हमने निकाल लिया मैंने निकाला हम ज्यादा इस पे एग्री करेंगे. चलो मैं जाती हूं. ओके उर्फ आप लिख रही हो ये तो गली है उर्फ उर्फ नहीं इसे उर्फ 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 तीली भी वर्ड है. ओके एंड और अंडा दोनों है एंड और अंडा दोनों है दोनों है हम भी कहेंगे. अरे यार एंड से जो अंडा निकाला है ना हमने एंड और अंडा है अंडा है ठीक है. एक पॉइंट पतंग पतंग ओके डन हो गया सही है. तारा तारा है सितारा भी है. तारा भी है सितारा भी है. तारा तारा आसमान में तारा नहीं है. अच्छा नहीं हम सितारा मार रहे हैं ठीक है सितारा कर लें ओके ठीक है. फूल फूल ओके हो गया. चप्पल 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 भी हो गया. भंड भंड भी हो गया. भंड मारने में अच्छा ये तंग तंग से चोरा चितंग तंग चिचोरा तंग चिचोरा वर्ड है चिचोरा तंग. अच्छा तंग भी हो तंग भी एक और पॉइंट तंग भी है और पतंग भी है. एक मिनट शोर तो नहीं करो लड़कियां. पतंग पतंग है तंग नहीं है. अच्छा दोनों नहीं किया पतंग नहीं किया भाई पतंग खाली एक पॉइंट दो पतंग ओके. अच्छा जी एक और था यहाँ पे बस हो गया बस कर दे. नहीं ऐसा नहीं तमसील तमसील भी क्या मतलब ये हुआ तमसील उर्दू का वर्ड है यार क्या हो गया. नहीं फूल ओके गिन लिया. कितने नंबर हैं इनके 200. अच्छा बताऊंगी नहीं अभी. चलो आओ लड़कियों कैमरे की जगह छोड़ो आराम कैमरे की जगह छोड़ो इधर आओ. ओके हां ओके पॉइंट नोट करना शुरू करें प्लीज. कितनी लीड से जीत गए हम लोग जी. शुरू हो जाए. मोबाइल ओके लोटा आहिस्ता आहिस्ता लिख रहे हैं. मोबाइल लोटा पतंग सितारा हां ये सी एच ए डी डी आई चट्टी बच्चों की भी तो होती है. ओके खाट पोंगा गली एक मिनट आहिस्ता बोलो एक मिनट. अच्छा गली है इनके पास आप देखें. एक मिनट मैं देख रही हूँ गली 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 गलीरा गली नहीं हमने भी बहुत गली की नहीं जी ए एल आई होता है. नहीं आपके पास लिस्ट में नहीं है. गली ये गली बनता है. नहीं नहीं ये गली नहीं है. नहीं नहीं गली भी नहीं आपने गली कहा था आप गलत बोल रही हैं. देखिए ऐसे तो मेरे भी बहुत सारे रिजेक्ट हुए. गली भी नहीं है गली भी नहीं है. नहीं है फूल गमला फूल गमला भंड भार दिल चीक और छिछोरा छिछोरा चप्पल 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 सितारा भी हो गया. हम सन्नाटा कर रहे थे कि वो तो और हमने कर लिया खत्म हो गया तो स्टैंड हुआ सन्नाटा नहीं हुआ ठीक है बस खत्म. कितने वर्ड हुए जीत गए. आई कांट बिलीव इट आई कांट बिलीव इट इट्स अ ड्रॉ. क्योंकि आपने ये पूरा डब्बा बनाया इन्होंने खाली कट लगाया तो ये गंदा नहीं लग रहा. ये सलीका का चले बराबर हो रही कोई बात चलो तुम लोग चले कोई मसला कोई मसला नहीं. ओके लड़कियां ज्यादा फन लविंग होती है कि लड़के फन लविंग कौन होता है. लड़के लड़के हाँ मेरे बेटे तो बहुत फन. अच्छा आप क्या ये भी हैं लेकिन एज कम्पेयर टू लड़के फन लविंग है बहुत. ओके जी आप लोग क्या कहते हैं लड़के फन लविंग होते हैं. इट्स अ मेल ट्रेट इट्स अ मेल ट्रेट वो लड़कों में अल्लाह में गिरना ये लड़कों में होता है. अब वो हर चीज में बड़े कुछ भी नहीं होता है. लड़के तो पत्थर के होते हैं लकड़े के होते हैं कुछ नहीं तो किसी काम के नहीं होते. घर पे कोई भी गेस्ट आने हो कोई भी कुछ भी करना मरियम भी बजे या एग्जैक्टली क्या नहीं नहीं मतलब लड़के यूजलेस है. हाँ यूजलेस है वो तो आपके ऊपर सब जाना ना लड़के. ओके जी आप लोगों को क्या लगता है लड़के फन लविंग है कि लड़कियां. अच्छा मैं एक ऑनेस्टली एक बात बोलूंगी कि अगर लड़कियां फन लविंग हो जाए तो थोड़ा मसला होगा ना. हर किसी के साथ तो फन लविंग नहीं हो सकती हर किसी के साथ नहीं हूँ. मेरे बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ तो आई थिंक. ओके जी प्रूफ करके दिखाते हैं. यहाँ ये कह रही है लड़कियां फन लविंग है दो लड़कियां कह रही हैं और ये लड़के कह रहे हैं नहीं लड़के फन लविंग है. इसको उठाओ दूसरा काम लाओ आप प्रैक्टिकल बहुत बातें होगी बहुत बातें होगी प्रैक्टिकल. ओके जब तक हमारे
हमारी अरेंजमेंट हो रही है तब तक मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी, उनके जवाब इनसे ले लूंगी। गुस्से का तेज कौन होता है, लड़के के लड़की? लड़के अलग है, गुस्सा अलग है, अलग दोनों को ही आता है, दोनों का तो नहीं आना चाहिए। मेजॉरिटी है यार लड़कों को, लड़के ज्यादा लड़कों के फड्डे ज्यादा होते हैं, रोडों पे फड्डे हो रहे हैं, लड़कों में होता है। लेकिन फुप्पा मशहूर है, फुप्पा ने कभी वो लड़वाती है, लड़ती नहीं है। अच्छा, गुस्सा दिलाने के लिए तीली कौन ज्यादा लगाता है लड़की? इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तीन चीजों से लड़ाई होती है तो उसमें तीन चीजों की वजह से लड़ाई होती है। एक्चुअली गुस्सा दिलाने के लिए आपको लगता है कि लड़कियां होती है, और तुम्हें क्या लगता है गुस्सा दिलाने के लिए कौन? तुम लोगों को गुस्सा ज़ाहिर है हस्बैंड्स की वजह से आएगा ना, या भाइयों की वजह से आएगा? काम नहीं करते, झूठ खुद भी पता, झूठ बोल खुद भी पता, झूठ ट्रेनिंग पता है इसकी आंखों में है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। गिल्टी फीलिंग है, गिल्टी फीलिंग है, कॉन्फिडेंट हो गए बोलो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लड़कों का होता है कि नींद तो पूरी ही नहीं होती कि कुछ भी कर, दुख रहता है हमेशा। तो मुझे लग रहा है कि लड़के गुस्सा दिला, ज्यादा गुस्सा दिला। अच्छा जी, हमारी ये अल्लाह गुब्बारे बचपन याद आ गए, वो ये बर्थडे और ये वैलेंटाइन और ईद और ये मनाने का शौक ज्यादा किसे होता है, लड़कों को लड़कियों को? लड़कियों को वो चीजें मुझे तो आज से बर्थडे याद नहीं रहती, वो पता ही लगता है कि हो गई। लड़कियां फिर जवाब तो हो गया फन लविंग, तो लड़कियां चलो जी प्रूफ करके दिखा आप, होगा ये। देखो यार, जब किसी की सालगिरह हो जाती थी मुझे वो वाली सिचुएशन बड़ी मजे की लगती थी, और उसमें होता क्या था, हमें करना क्या होता, तो गुब्बारे फाड़ने होते थे, गुब्बारे फाड़ के बर्थडे खत्म होती थी। ये वाली जो एक्साइटमेंट थी ना, ये बड़ी मुझे फन लगी। अभी आपके सामने क्या है, गुब्बारे निकल ही नहीं रहे, निकल जाए। अच्छा, अब आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में? अब आपको करना ये है कि दो आपके पास खाली बोर्ड थे, ये पिंक और ब्लू चेंज क्यों कर गए भाई? कोई बात नहीं, चलो लड़कों को हम लोग ना, लड़कियां उधर चलेंगे, हम टक्कर मारते रहेंगे। पिंक बोर्ड आर फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज, पिंक बलून आर फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज। आपने गुब्बारा पॉप करके उसमें से स्टिकर निकालना है, जैसे बचपन में स्टिकर चिपकाते थे हर अलमारी पे, स्टिकर हर कपड़ों पे भी स्टिकर लगा लिया करते, सारी दीवारें गंदी हो जाती थी मेरे घर की, तो मेरे 4 साल का बच्चा स्टिकर ठोप ठोप के हर जगह मेरे मुंह पे भी लगा देता था, देखती हूँ उठती हूँ सोकर तो स्टिकर लगा हुआ था। तो ये बचपन का हर किसी का शौक होता था, मैं आपको एक दफा बचपन में ले जा रही हूँ, आ जाओ लड़के। सिर्फ तुम लोगों ने मर्दाना गुब्बारे फाड़ के, लोगों ने जराना, अच्छा 6 साल फाड़ के भी स्टिकर, उससे पहले मैं किसी का तस्वीर बना लूं, लोग की स्ट्रेटजी अच्छी है। अच्छा स्टिकर का स्ट्रेटजी अपनी, स्टिकर पिंक में नहीं प्लीज, ब्लू पे आप फाड़ने के समय ये तो जीतेंगे कि तो नेल छोड़े। जैसे आपकी मर्जी, हमें भी चीज एक भी सफल चले, पिंक ज्यादा होगा। अच्छा नहीं, ये आपको हमने बराबर दिया। अपने वाले पिंक पर किसको मारना है? रेडी गेट सेट जी।
चौदह 15 एक मिनट दोबारा गिनूंगी ऊपर से ये गिरा बस बस ये दो नहीं है बेमाने नहीं कर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस उनतीस ट्वेंटी नाइन ये भाई लड़के तो पत्थर के होते हैं ना भाई लड़के तो लकड़ी के भी होते हैं लड़के जीत गए एक एक्टिविटी लड़कियों ने जीती एक एक्टिविटी लड़कों ने जीती एक एक्टिविटी में ड्रॉ हो गया तो मुकाबला ड्रॉ बराबर का रहा थैंक यू सो मच आप सब लोगों का शो पे आने का थैंक यू सो मच और आपका शो देखने का अभी शो खत्म नहीं हो रहा हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं अब ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लड़के लड़कियां बराबर जिम्मेदार होते हैं क्योंकि दो पहियों से ही गाड़ी चलती है तो जिम्मेदारी अगर दोनों बांट ले तो गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होंगे गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बड़े बच्चे तो चले गए अब छोटे बच्चों की बातें करें जरा जाहिर है मैं एक माँ हूँ और मेरे घर में हर साइज का बच्चा मौजूद है तो मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ लेकिन बहुत सारी ऐसी माएँ जिनको नहीं पता जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं बच्चों की परवरिश में उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गुसल खाना उनका बाथरूम हर किसी का अलग साइज का बाथरूम होता है और उसमें बच्चों को नहलाने धुलाने में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ये सारे सवाल मैं करने वाली हूँ एक ऐसी पेडियाट्रिशियन से जो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं डॉक्टर राहत नाज अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू दिस थैंक यू एक्सपर्ट की राय होना हमेशा जरूरी होती है क्योंकि मैं तो एक माँ हूँ मेरा अलग परसेप्शन होगा आप बहुत सारी माँओं को कैटर करती हैं माँ को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग नहलाना धुलाना बच्चों को जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ वैसे ही बहुत एंशियस होती है अपने बच्चे के लिए और फिर नहलाना उसके लिए लगता है उसको बहुत मुश्किल काम है उसमें छोटा बच्चा ही नहीं संभल रहा तो पता चले वो शैम्पू वो डर रही होती है कि कहीं इसके मुंह में पानी ना चला जाए शैम्पू कैसे करूं शैम्पू की बोतल अलग खोलूं बॉडी वॉश की बोतल अलग खोलो फिर पानी को भी देखो फिर बच्चे को भी बच्चे को पकड़ो शैम्पू की बोतल को पकड़ो तो टू मेनी टास्क एट वन टाइम तो वो उससे परेशान हो जाती है घबरा जाती है तो अगर उसको कुछ उसमें कुछ सहूलत पहुंचा दी जाए तो चीजें उसके लिए बेहतर हो जाएंगी फॉर एग्जाम्पल एक आसान सी चीज है कि बजाय इसके कि मैं पहले शैम्पू का बोतल का ढकना खोलूं कभी ज्यादा ना गिर जाए कम ना गिर जाए फिर बॉडी वॉश खोलूं फिर शैम्पू का ध्यान रखूं कि वो सर तक ही रहे नीचे बह के नहीं आए तो कितने मसाइल है ना निदा तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें सब कुछ होना हाँ, है ना वन जैसे अब रिश्ते के लिए लड़की भी देखने निकलते तो उसमें अच्छा हो सकीना भी हो और कतरीना भी हो तो बचपन से ही हमें ये आदत होती है कि हमें हर चीज हमें मल्टी पैकेजिंग जाए तो ऐसी प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल है मार्केट में जिसमें आपको एक ही प्रोडक्ट एक ही बोतल का ढकना खोलना है अच्छा उसी से आप बच्चे को शैम्पू भी कर दें उसी से आप बच्चे को नहला भी दें और कौन सी है वो ब्रांड बताएं मैं तो लेट हो गया बच्चे हो गए मेरे तो ब्रांड है मिचिको मिचिको अच्छा ये ब्रांड कोई नई ब्रांड नहीं है सिंस 1960s ये बेबी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं पाकिस्तान में तकरीबन 50 साल से तो कोई ऐसी भी चीज नहीं है कि कोई नई चीज मार्केट में आई है अचानक से तो अब उसमें कन्वीनियंस ये है कि जब एक ही बोतल माँ खोलेगी तो अब उसको कम अज कम बोतलों का हैसल तो खत्म अच्छा, सबसे ज्यादा निकल आया तो पता है बॉडी पे लगा दो बॉडी पे लगा दो सर पे लगा के जो बचे वो बॉडी पे लगा दो कम अज कम उसको अब कॉन्शियस नहीं होना तो उसकी चीजों को सहूलत हो जाएगी और जो उसके एक जहन में खौफ बैठा हुआ है कि भाई मुझे क्या करना है नहलाना जैसे ही आप किसी माँ से कहें नहलाना वो कहेगी नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मुंह धुलाने के लिए अलग से साबुन लो मुंह वाला तो अब अगर ये आंखों में चला जाए शैम्पू भी है इसमें बॉडी वॉश भी है और सोप भी है कंडीशनर भी है सॉरी तो ये देखिए अव्वल तो क्योंकि जब आप 3-in-1 चीजें ले रहे हैं तो वैसे भी चांस कम हो जाएगा कि वो आंखों तक पहुंचे लेकिन अगर हो भी जाए तो ये तमाम प्रोडक्ट्स
इनकी खुसूसियत यही होती है कि इससे आंसू कम आते हैं. हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए. और एक खास बात जो बच्चों की इस तरह की प्रोडक्ट्स होती है उसमें होती है कि वो कम हार्शर होती हैं, तो स्किन को सॉफ्ट रहने देती है, स्किन का मॉइस्चर ड्रेन नहीं करती. अच्छा, और ये टेस्टेड भी है ना, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और या आपने कह दिया तो हो गया. ये टेस्ट होते हैं, उसमें इनके कॉन्टेंट्स देखे जाते हैं, इनके इंग्रीडियंट्स देखे जाते हैं, उसके बाद ये स्किन के साथ फ्रेंडली है ये कमेंट दिया जाता है. ओके, केमिकल फ्री है, सबसे केमिकल फ्री है, क्योंकि बच्चों को रैशेज वैशेज पड़ जाते तो उनके लिए बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है ना, कॉन्शियस रहना पड़ता है, इरिटेशन हो जाती है अक्सर बच्चों को. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि रोज बच्चों को हम नहला सकते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. देखिए, बच्चे को तो रोज ही नहलाना चाहिए. अच्छा, इनके पास क्या पाउडर और भी चीजें हैं? बेबी वाइप्स हैं, बेबी वाइप्स हैं, और जो मुझे नजर आ रहा है बेबी वाइप्स हैं इनकी, इनका 3-in-1 है. अच्छा, बेबी वाइप्स भी इनके, एक्चुअली ज्यादा इनका कंसंट्रेशन बच्चों की सफाई की तरफ है. अच्छा, ऐसी ब्रांड्स बनाई जाए कि बच्चा जो है वो ज्यादा साफ सुथरा रहे. मैंने किसी और ब्रांड में 3-in-1 का नाम नहीं सुना. मैंने पहली दफा मैंने मिचिको में सुना है ना, ये सबसे अच्छी बात हो गई कि ये वाला सबसे ज्यादा बिकेगी चीज, क्योंकि नेचुरली कि आपको हैसल फ्री कर दिया ना उसने. हाँ. माँ को कंफ्यूजन से बचा लिया उसने, एक बोतल का ढकना खोला. हाँ. उसी से बच्चे को शैम्पू कर दिया. हाँ. उसी से बच्चे को नहला दिया. अच्छा, जैसे बच्चे बीमार होते हैं बुखार वगैरह, तो बहुत सारी माएं नहीं नहलाती, क्या वो सही करती है, गलत? देखिए, अगर मामूली बुखार है तो बच्चे को नहलाना चाहिए. एज ए पीडियाट्रिशियन हम गाइडलाइन देते हैं कि बच्चे को नहलाएं. हमारा मजहब भी यही कहता है, सफाई निसफ ईमान है, तो बच्चे को रोज नहलाना चाहिए. हाँ, अगर किसी को बहुत तेज बुखार है, किसी को नमूनिया हो गया है, कुछ हो गया, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन एज ए रूल आप बच्चों को रोज नहलाएं. आप देखिए अस्पताल में बच्चे एडमिट होते हैं. बच्चों को नहलाने का जो पानी का टेम्परेचर है, या तो माएं बहुत गर्म कर देती हैं या उनको समझ नहीं आता, बहुत ठंडा कर देती हैं. लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा है निदान, माओं को बताते हैं कि अपने हाथ पे पानी डाल के देखें. हाँ. पहले अपने ऊपर टेस्ट करके देखें, मतलब अगर मग से नहला रही है तो हाथ पे डालते हैं, थोड़ा सा सर पे, पहले थोड़ा सा पानी. एक्चुअली क्या होता है कि आप टैप खोलते हैं गर्म और ठंडे पानी का, उसका एक मिक्सचर बना लेते हैं, कंपोजिशन बना लेते हैं, उसको अपने हाथ पे डाल के देख लेते हैं कि भाई ये कैसा है, बच्चों को नहला लेते हैं. और जब आप 3-in-1 प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको तो वैसे ही कन्वीनियंट है, वो प्रोसीजर भी कम हो जाएगा. वरना तो ये होता है एक बोतल से पहले शैम्पू किया, फिर उसको ढकना बंद करेंगे, फिर दूसरी बोतल खोलेंगे. अच्छा, ये कितनी एज के बच्चे तक इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तो देखिए, बेबी शैम्पू तो आप काफी उम्र तक इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा. उसकी कोई एज लिमिट नहीं है. अक्सर आपने देखा है किसी को बालों का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग भी यूज कर लेते हैं. एडल्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं? एडल्ट्स भी कर रहे होते हैं, बिकॉज क्योंकि एडल्ट्स के शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट्स है वो हार्श होते हैं, और बेबी शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स लेस हार्श होते हैं. तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा बालों को हेल्दियर लुक. अच्छा, क्या क्या तरीके, जैसे न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसको नहलाने के अलग अलग तरीके कार हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा? देखिए, सबसे सेफेस्ट तरीका है कि आप बच्चे को जो आप जिस तरह से पकड़ रहे हैं. हाँ. वो तरीका सबसे अहम होता है कि बच्चे को आपने एक पोजिशन में पकड़ा है, पहले आपको बच्चे का सर धुलाना चाहिए. आपने उसको इस तरह पकड़ लिया हाथों से और सर को ऊंचा किया और आपने शैम्पू किया सर. सर शैम्पू करने के बाद फिर आप बॉडी की तरफ आए, आपने इस तरह से बच्चे को पकड़ के पीछे से पीठ को भी कर दिया. तो वो एक गाइडलाइंस होती है जो अक्सर हॉस्पिटल्स में क्लासेस भी होती हैं इसकी. हाँ. माओ को नई माएं बनने जा रही होती हैं, उनको पूरी क्लास दी जाती है बच्चे के नाक पे पानी जाए. अच्छा, बड़ी अच्छी ट्रेज भी आ गई हैं आजकल ना, कि वो उस तरह टिल्टेड होती हैं. मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए वही चीज इस्तेमाल की. मुझे बेसन में डर लगता था नहलाने से, अम्मा कहती थी बेसन में ऐसे नहला लो, मैंने कहा फिसल गया तो. वो एक खौफ माँ के जहन में होता है ना. हाँ, जैसे आपने कहा कि वो मिर्ची को भी नहीं था ना मेरे पास, 3 बोतलें खोलनी पड़ती थी इसलिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं. अब आपके बच्चे तो बड़े हो गए होंगे. चले आपके बच्चों. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. किसी पेशेंट को भी गिफ्ट कर सकते हैं आपकी, जिसने आपकी ज्यादा बातें सुनी हो. चलो, थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग. जी जनाब, ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है अच्छा लगा होगा. बड़े बच्चों से लेकर छोटे बच्चों तक की बातें हो गई. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल मिलते हैं ना मजेदार शो के साथ. गुड मॉर्निंग. झूम के हाँ.